नमस्कार दोस्तों, मैं समीर सर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ में हाजिर हूँ। आज हम चर्चा कर रहे थे बायोलॉजी के टॉपिक पर, और जो बायोलॉजी का जो टॉपिक है आज उसमें हम आगे बढ़ जाएंगे। और आज हम चर्चा करेंगे इवोल्यूशन मतलब कि जैव विकास पर। तो जैव विकास से संबंधित जितने भी मोस्ट क्वेश्चंस हैं वो सारे हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो कृपया वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, और कृपया वीडियो को लाइक कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें। जो भी नए व्यूअर हैं वो सभी कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जो भी नए वीडियो रहेंगे वो उनको उनका नोटिफिकेशन उनके पास तुरंत पहुंचे। चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, पहला जो क्वेश्चन है वो है कि उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया था। तो उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिसने उत्परिवर्तन मतलब कि उत्परिवर्तन को हम कहेंगे यहाँ पर म्यूटेशन। तो जो म्यूटेशन दिया था, म्यूटेशन थ्योरी जो दी थी वो दी थी ह्यूगो डी ब्रिज ने। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ह्यूगो डी ब्रिज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि डार्विन का प्राकृतिक वर्णवाद का जो सिद्धांत था वो किस पर आधारित था। तो हमेशा ध्यान रखें कि जो डार्विन ने जो सिद्धांत दिया था वो दिया था कि जीव जातियों में प्रचुर संतानोत्पत्ति, जीवन संघर्ष तथा योग्यतम की उत्तरजीविता। तो जो डार्विन ने बताया था, उन्होंने बताया था कि जितने भी सजीव है वो अपने जीवन में बहुत अधिक मात्रा में संतानों की उत्पत्ति करते हैं, और वो पूरे जीवन भर जीवन संघर्ष में लगे रहते हैं। जीवन संघर्ष में मोस्टली हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है भोजन, दूसरा होता है आवास, और तीसरी चीज़ होती है सुरक्षा। तो यदि हमें तीनों चीज़ मिल जाती है, भोजन, आवास और सुरक्षा, तो व्यक्ति जीवित रहता है। और यदि ये तीनों चीज़ें नहीं मिल पाती है तो व्यक्ति मर जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि लैमार्क का मूल आधार क्या था। तो लैमार्क ने जो बात कही थी वो कही थी उपार्जित लक्षणों की वंशागति की। तो लैमार्क ने ही समझाया था, सबसे पहला जो सिद्धांत था जैव विकास का वो लैमार्क ने ही दिया था। और लैमार्क ने बताया था कि जो लक्षण हम प्रकृति से जन्म के बाद प्राप्त करते हैं उन लक्षणों को हम उपार्जित लक्षण कहते हैं, और ये लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ये कहलाता है वंशागति की। तो लैमार्क ने सबसे पहले समझाया कि जो उपार्जित लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, जैसे जिराफ की गर्दन का लंबा होना और सर्प के पैर का विलुप्त होना, मनुष्य की पूंछ का विलुप्त होना। तो ये सारी बातें किसने समझाई थी, लैमार्क ने। तो उसको को हम कहते हैं लैमार्कवाद। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि पुस्तक फिलोसफी जूलॉजिक जो 1809 में छपी थी उसका लेखक कौन था। तो उसका लेखक था लैमार्क। इसी प्रकार से एक पुस्तक किसने लिखी थी, डार्विन ने भी लिखी थी। तो डार्विन की जो पुस्तक थी उसका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो कि प्रकाशित हुई थी 1859 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने जनन द्रव्य निरंतरता का सिद्धांत दिया था। तो जो जनन द्रव्य की बात करेगा तो जनन द्रव्य को हम कहते हैं जर्म प्लाज्म। तो जर्म प्लाज्म थ्योरी जो दी थी वो दी थी वाइज मैन ने। इसको कई जगह वीज मैन भी लिखा मिलता है, तो वीज मैन या वाइज मैन कहीं भी मिले तो इन्होंने दी थी जनन द्रव्य मतलब जर्म प्लाज्म थ्योरी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने योग्यतम उत्तरजीविता, तो हमने ऊपर ही बात की थी योग्यतम उत्तरजीविता का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया। तो सबसे पहले विचार जो प्रस्तुत किया था वो क्या था, स्पेंसर ने। लेकिन इस विचार को सिद्धांत में बदलने वाला था कौन, डार्विन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि जैव विकास के संबंध में लैमार्क ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो ये क्या था, उपार्जित लक्षणों की वंशागति की। लैमार्क जब भी बात करेगा
तो ये उपार्जित लक्षणों की वंशागति के बारे में बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पालतू कुत्तों की नई नस्ल बनाने वाली प्रक्रिया क्या होती है, तो वो होती है कृत्रिम वरण। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जीवों का अनुकूलन होता है, तो जीवों का जो अनुकूलन होता है वो एक उपार्जित लक्षण होता है। जैसे वातावरण में जीव जाता है वैसे ही वातावरण में वो ढल जाता है, तो ये उपार्जित लक्षण है जो हमें वातावरण से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समुद्री जहाज पर डार्विन ने प्रकृति का अध्ययन किया था, तो उस जहाज का नाम था बीकर। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें इसका। नेक्स्ट जो है कि कोई विकास संभव न होगा यदि एक जनसंख्या में जननिक भिन्नताएं न हो, यदि भिन्नताएं नहीं होंगी तो जीवों का विकास नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि ओराइजन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक थी, यह पुस्तक कब छपी थी, तो हमने ऊपर चर्चा की थी ये छपी थी 1859 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि डार्विन किसके कार्य से प्रभावित हुआ था, तो डार्विन मोल्थस, वेसल, लियस, लियेल, इन सभी के कार्यों से क्या हुआ था, प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया, तो ये क्या था, ह्यूगो डी ब्रिज ने। हमने ऊपर चर्चा की थी कि म्यूटेशन थ्योरी जो थी वो ह्यूगो डी ब्रिज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन लैमार्कवाद के विषय में संशय उत्पन्न करता है, तो लैमार्कवाद जो दिया था उसमें देखो बात कही गई थी कि जिराफ में लंबी गर्दन ऊंचे वृक्ष की पत्ती खाने के कारण, सही बात थी। नेक्स्ट था हिरण अपने शत्रुओं से बचने के लिए तेज दौड़ सकता है, ये बात सही थी। तो ये दोनों बातें सही थी, लेकिन ये वाली बात देखो, यहाँ देखा गया है कि यद्यपि स्त्रियों के हजारों वर्षों से कान बिंधे जा रहे हैं किंतु फिर भी कान बिंधी लड़की का जन्म नहीं हुआ, ये होना चाहिए था क्योंकि उपार्जित लक्षण है, जन्म के बाद हम कान बीनते हैं, ये ऐसा नहीं होता है, इसलिए ये जो बात है ये बात लैमार्क के सिद्धांत को फॉलो नहीं करती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जैव विकास में सफल होने के लिए उत्परिवर्तन होने चाहिए, तो जैव विकास में सफल होने के लिए उत्परिवर्तन होने चाहिए, तो ये जो उत्परिवर्तन होंगे वो किससे होंगे, तो जर्म प्लाज्म के डीएनए में यदि परिवर्तन होते हैं तो ये नया कोई लक्षण प्रकट होगा, अन्यथा नया लक्षण प्रकट नहीं होगा। नेक्स्ट है कि जैव विकास की क्रिया को सर्वप्रथम समझाने का प्रयास जो था वो किसने किया था, तो हमने ऊपर ही चर्चा की थी कि सबसे पहले लैमार्क ने समझाने की कोशिश की थी, और लैमार्क ने जो सिद्धांत दिया था उसका नाम था उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि चार्ल्स डार्विन की पुस्तक जो थी ओराइजन ऑफ स्पीसीज एक क्रांतिकारी कृति थी, तो इसमें जो व्याख्या की गई थी वो क्या थी, तो इसमें जो मेन सिद्धांत था वो था प्राकृतिक चयनवाद द्वारा योग्यतम की उत्तरजीविता, तो प्रकृति चयन करती है और जो अच्छे गुणों वाला होता है उसका वो चयन करती है, बाकी सबको नष्ट कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विकास का मूल स्रोत क्या है, तो मूल स्रोत जो होता है वो होता है उत्परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अपना प्राकृतिक चयनवाद प्रस्तुत करते समय डार्विन किससे प्रभावित हुए थे, तो वो हुए थे मोल्थस की जनसंख्या पर निबंध। तो मोल्थस ने जनसंख्या के ऊपर एक निबंध दिया था कि जो जीव होते हैं वो उनमें जनन क्षमता बहुत अधिक पाई जाती है, लेकिन फिर भी जो जनसंख्या होती है वो कंट्रोल ही रहती है, तो ये कंट्रोल क्यों रहती है, तो इस निबंध को किसने पढ़ा, तो इसको पढ़ा था डार्विन ने, और डार्विन ने इसको पढ़ करके इसके ऊपर चर्चा की और फिर अपना सिद्धांत दिया कि जो प्रत्येक जीव होते हैं उनमें जनन क्षमता तो वो तो देखो होती है, लेकिन प्रकृति उनका चयन करती है, और चयन करते समय जो योग्यतम होते हैं वो तो जीवित रहते हैं, लेकिन जो योग्यतम नहीं होते हैं वो मर जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उधर क्वेश्चन नंबर 21 कि आकस्मिक
होने के कारण वंशागति की परिवर्तन जो जाति में प्रजनन के बाद भी रहते हैं कहलाते हैं। तो अचानक से जो होते हैं वो परिवर्तन क्या कहलाते हैं, तो उनको हम कहते हैं उत्परिवर्तन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि उत्परिवर्तन मुख्यतः नियंत्रण करते हैं। तो उत्परिवर्तन जो है वो किसको नियंत्रण करते हैं, तो जीवों में विभिन्नताओं को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा कि उत्परिवर्तन कृत्रिम रूप से किसके द्वारा कराया जा सकता है, तो विकिरण और रासायनिक पदार्थ दोनों के द्वारा कराया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्परिवर्तन के कारण होता है, तो उत्परिवर्तन के कारण क्या होता है, डीएनए में परिवर्तन, वंशोत्तर परिवर्तन, जीन में परिवर्तन, ये सभी होते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि एक जाति की जनसंख्या में उत्परिवर्तन जीन के फैलने की संभावना बढ़ जाती है यदि वह प्राकृतिक द्वारा चयनित हो। यदि प्रकृति द्वारा चयनित हो तो उत्परिवर्तन की जीन की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा मत आकस्मिक वंशागति के परिवर्तन की व्याख्या करता है, तो वो वही है उत्परिवर्तन का सिद्धांत या उत्परिवर्तन मत। नेक्स्ट है रुक रुक कर होने वाला परिवर्तन, तो ये भी कौन सा है, उत्परिवर्तन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जैव विकास के संबंध में लैमार्क का मत प्रचलित रूप से जाना जाता है, तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति की। नेक्स्ट क्वेश्चन था डार्विनवाद की मुख्य आलोचना का कारण है, तो इसकी मुख्य आलोचना थी कि इसमें वंशागति की लक्षण सहित लक्षणों की विभिन्नताओं की व्याख्या नहीं की गई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि जैव विकास में उत्परिवर्तन का महत्व होता है, तो उत्परिवर्तन का जो महत्व होता है वो होता है जननिक भिन्नताओं से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जैव विकास के संबंध में अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग मत किसने प्रस्तुत किया था, तो ये क्या था, लैमार्क ने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32 कि डार्विन द्वारा प्रस्तुत आंदोलनकारी ओराइजिन ऑफ स्पीसीज को किस प्रकार समझाया गया, प्राकृतिक चयन द्वारा योग्यतम की अतिजीविता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जैव विकास के संबंध में ह्यूगोडी ब्रिज द्वारा प्रस्तुत उत्परिवर्तन मत के संबंध में किस पर प्रयोग किया गया, तो वो किया गया था सांझे प्रिमरोज या इवनिंग प्रिमरोज के ऊपर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है उत्परिवर्तन आधारित होते हैं, तो उत्परिवर्तन जो होते हैं वो मैक्सिमम जो होते हैं वो हानिकारक ही होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि नव डार्विनवाद के अनुसार निम्न में कौन जैव विकास के लिए जिम्मेदार होता है, तो किसके अनुसार, नव डार्विनवाद के अनुसार उत्परिवर्तन और प्राकृतिक चयन दोनों। तो नव डार्विनवाद के अंदर डार्विन तथा ह्यूगोडी ब्रिज के सिद्धांत को मिक्स कर दिया गया है, अर्थात उत्परिवर्तन व प्राकृतिक चयन दोनों को मिक्स करके तैयार किया गया है नव डार्विनवाद का सिद्धांत। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एक वैज्ञानिक ने ड्रोसोफिला की 72 पीढ़ियों को अंधेरे में रखा, फिर भी उनमें साधारण प्रकार के नेत्र पाए गए, जिससे कौन सा मत गलत सिद्ध हुआ, तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति की का मत गलत सिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैमार्कवाद के अनुसार जैव विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है, तो वो होता है उपार्जित लक्षण। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि डार्विन के प्राकृतिक चयनवाद में सम्मिलित है, तो इसमें जो सम्मिलित है डार्विन के में तो वो है योग्यतम की अतिजीविता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 सॉरी क्वेश्चन नंबर 39, तो ये क्वेश्चन है कि जैव विकास के संबंध में उत्परिवर्तन सिद्धांत प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक कौन सा, उत्परिवर्तन की जब भी बात आए तो वो था ह्यूगोडी ब्रिज, और डार्विन का था प्राकृतिक चयनवाद व प्राकृतिक चयनवाद व योग्यतम की उत्तर व योग्यतम की जीविता। नेक्स्ट था लैमार्क, तो लैमार्क ने दिया था कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति की, और मेंडल तो अनुवांशिकता संबंधित था, इसका जैव विकास से कोई लेना देना नहीं है।
नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हमारा, वो है जैव विकास का अंतिम स्रोत। जो जैव विकास का अंतिम स्रोत होता है लैंगिक प्रजनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई जातियों की उत्पत्ति के संबंध का में मुख्य जो कारक है वो क्या होता है, तो भौगोलिक पृथक्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है, तो ह्यूगोडी ब्रिज ने जो सिद्धांत पर कार्य किया था वो सिद्धांत था ओराइनो थीरा लेमार्कियाना। तो इसके ऊपर ह्यूगोडी ब्रिज ने इस सिद्धांत के ऊपर कार्य किया था, बाकी जितने भी सिद्धांत हैं उनके ऊपर इन्होंने कार्य नहीं किए थे। नेक्स्ट जो है कि जर्म प्लाज्म की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था वीजमैन ने। मैंने बताया था कई जगह वाइजमैन आता है तो कई जगह वीजमैन आता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तो जीन पूल होता है, तो जीन पूल क्या होता है कि एक स्थान की सभी जातियों के सदस्यों के भिन्न भिन्न जो जीन होते हैं तो उनको हम कहते हैं जीन पूल। नेक्स्ट जो है लैमार्कवाद का आधार है, तो लैमार्कवाद का जो आधार होता है वो होता है उपार्जित लक्षणों की वंशागति की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सा प्रमाणित लैमार्कवाद नहीं दर्शाता है, तो यदि हम बात करें सर्पों के पैरों का अभाव गायब हो गए तो ये भी है। नेक्स्ट है जलीय जलीय पक्षियों में झिल्लीदार अंगुलियां, ये भी सही है। गुफाओं में रहने वाले जंतु रंजकहीन, ये भी सही है। तो ये इसका नहीं है कि जो पेपर्ड मौत में औद्योगिक क्षेत्रों में रंजक करण, तो ये वाला जो है वो लैमार्कवाद में को नहीं दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैमार्क ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो लैमार्क ने दिया था उपार्जित लक्षणों की वंशागति की का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डार्विन के प्राकृतिक चयन का आधार था, तो संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता, जीवन संघर्ष और योग्यतम की उत्तरजीविता। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक्स तथा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन थे, पुस्तकें किसने लिखी थी, तो जेनेटिक्स तथा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये जो पुस्तक थी ये लिखी थी डोबजेनिक्स ने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, तो ये क्वेश्चन दिया गया है कि डार्विन की फिंचे किसका उदाहरण प्रस्तुत करती है, तो ये करती है अनुकूलन रेडिएशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन था जर्म प्लाज्म की निरंतरता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो ये वाइजमैन ने किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52, ये है पैंजिनवाद परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, तो ये डार्विन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था जैव विकास के क्षेत्र में प्रारंभिक अध्ययन करने वाला कौन था, तो डार्विन, गुडी ब्रिज, लैमार्क और हैक्सले। देखो कॉल लैंड स्टीनर रक्त से संबंधित था, इसमें कॉल लैंड स्टीनर है, इसमें कॉल लैंड स्टीनर है, ये नहीं थे, तो ये तो ऑप्शन तीनों कैंसिल हो गए। तो ये आएगा कि कौन कौन था, डार्विन था, हुगोडी ब्रिज था, लैमार्क था और हैक्सले था, जिन्होंने जैव विकास के बारे में अध्ययन किया था। नेक्स्ट जो है वो आएगा लैमार्कवाद के अनुसार लंबी गर्दन वाले जिराफ किस कारण से विकसित हुए, तो छोटी गर्दन वाले जिराफ ने कई पीढ़ियों तक गर्दन खींचकर प्रयोग किया, इसलिए उसकी गर्दन क्या हो गई, लंबी हो गई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55, अनुवांशिक विचलन किसका कारण है, तो कम पृथक हुई समष्टि पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 56 नंबर का कि असंबंधित प्राणियों के समुदाय का अनुकूलन किसके साथ विकास समान वातावरण में के लिए कहलाता है, तो ये कहलाता है अनुकूलित अभिसरण। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 57, ये दिया गया है कि निम्न में से संतुलन में एक अनियमित संगम जनसंख्या में अदिशिक रूप में जीव आवृत्ति में परिवर्तन कौन करेगा, तो ये होगा प्रवास के कारण। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि डार्विन ने अपने प्राकृतिक चयन के सिद्धांत में निम्न में से
निम्न में से एक की जैव विकास में किसी भी भूमिका पर विश्वास नहीं किया, तो वो था विभिन्न विच्छिन्न भिन्नताएं। तो जो डार्विन ने बात की थी वो की थी प्राकृतिक शत्रु, परजीवी तथा परभक्षी। तो प्रकृति जो होती है वो शत्रु भी होती है, परजीवी हो सकते हैं या परभक्षी हो सकते हैं शत्रु के रूप में। दूसरी बात की थी उन्होंने योग्यतम उत्तरजीविता की और जीवन संघर्ष की, तो ये तीनों उसकी चर्चा की थी लेकिन इसकी चर्चा नहीं की थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो हमारा क्वेश्चन नंबर 59। तो इसमें दिया गया है कि निम्न में से कौन जैव विकास के लिए डार्विन तथा वेलेस द्वारा प्रस्तावित अनुक्रम कौन सा था। तो जो अनुक्रम था वो था अत्यधिक उत्पादन, जनसंख्या, आमाप की स्थिरता, विभिन्नताएं तथा प्राकृतिक चयन। तो इसके बारे में बताया था किसने, ये बताया था डार्विन ने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जनसंख्या में संभवतः है अनियमित आनुवंशिक अपवहन या विचलन किसके फलस्वरूप होता है। तो ये होता है अत्यंत आनुवंशिक की तरह परिवर्तित व्यष्टियों पर। नेक्स्ट वो क्वेश्चन है कि एक शिशु के जन्म के समय छोटी सी पूंछ है, यह दर्शाता है, तो वह पूर्वजता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फसलों को नष्ट करने वाले कीट में कीटों के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न होने का सबसे संभव कारण होता है, तो वो होता है निर्देशित उत्परिवर्तन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। तो क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति समान हो किंतु कार्य में समान या असमान हो क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं समजात अंग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि अनुकूली विकिरण का सबसे अच्छा उदाहरण है, तो ये होता है कि डार्विन की फिंचे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नए किसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें।